एक नया अलंकार। आज मैं आप सभी को एक ऐसा अलंकार सिखाने जा रहा हूँ जो एक नव निर्मित है, जो हो सकता है आपने पहले कहीं नहीं सुना हो, है ना। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे ही खुद से भी अलंकारों का निर्माण कर सकते हैं, पलटों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि आपका रियाज बेहतर हो सके, जिससे कि प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी संगीत में बनी रहे। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए एक नया अलंकार। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर। रागें सीखनी हो, पियानो गुरु का इस्तेमाल करना हो, स्वयं रियाज करना हो, थाटों का रियाज करना हो, अलंकारों का, पलटों का, हर प्रकार का रियाज इसमें अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए कोमल गंधार। तो अभी अभी आपने जो अलंकार सुना है, आई होप कि आप उसको सीखना चाहते होंगे, क्योंकि मैं अब उसका आपको स्लोली स्लोली एक 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 जो स्वर संगति है वो बताने जा रहा हूँ कि कैसे ही अलंकार बनाया गया है और कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है और कैसे ही इसी तरह से आप भी अलंकार बना सकते हैं खुद से। बड़ा सिंपल सा है, देखिए। सबसे पहले आपको स्वरों को नंबर में डिवाइड कर देना है। सारे गम पद नी को कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ताकि मैं अब जो बताने जा रहा हूँ आपको आसानी से समझ आए। वो ये है कि सारे साग साम ग रे सा, है ना। सारे साग वाला तो आई गेस आपने अलंकार सीखा हुआ होगा, स्वरांगिनी जो हमारी किताब है उसी का अलंकार है ये। सारे साग रे ग रे म ग म ग प म प म ध, है ना। और ये अलंकारों का मैं बिल्कुल कहीं कॉपीराइट नहीं ले रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ ये सारे अलंकार मेरे बनाए हुए, ये चले आ रहे हैं अलंकार हैं, कुछ गुणीजनों ने बताए हैं, कुछ हमने सीखे हैं अपने गुरुजी से, दादा गुरुजी से, वही अलंकार मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ होते हैं जो मैं खुद क्रिएट करता हूँ, अगर बन पड़ता है मुझसे कुछ तो मैं बता देता हूँ कि ये हमारा बनाया हुआ है, ये मेरा बनाया हुआ है, है ना। वरना मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता ये सारे अलंकार मेरे बनाए हुए हैं। कुछ जो होते हैं उन पर मैं ज़रूर बता देता हूँ कि हाँ ये मुझसे बन पड़ा है, पर हाँ ये वाला मेरा नहीं बनाया हुआ है, ये मैंने भी कहीं सुना है, सीखा है, तो मैं आज आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 आपने नंबर दे दिया है। अब सारे गम पधनी को उससे आप रिप्लेस कर चुके हैं। अब सारे साग है ना, ये जो अलंकार है, सारे साग रे ग रे म ग म ग प, ये अलंकार आपका सीखा हुआ होगा। सारे साग 1 2 1 3, है ना। सारे ग अगर आपने सामने रख रखा है तो सारे यानी 1 2, साग यानी 1 3, है ना। तो सिंपल सा वही पैटर्न जा रहा है, सारे साग रे ग रे म वाला ही पैटर्न जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर देंगे, वो ये है कि रिवर्स हमें वापस आना है। जैसे सारे साग फिर एक स्वर से वापस आना है, तो सारे साग सा म ग रे सा, यानी ग के तुरंत बाद वाला। अब इनको रियाज करते समय ये ध्यान रखना, इनका जो बल है, इनका जो बांट है, उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि उस बांट से ही इनमें वो बात आती है ना। ये बात है कि अलंकारों की जो बांट है, उनकी जो डिविजन्स जो जाता है ना, अगर उसका ख्याल रखा जाए, उसके हिसाब से रियाज किया जाए, तो गले में वो बात आती है। अब जैसे तीसरा अलंकार है, चौथा अलंकार है जो हमारा पहला पेज का है, यानी सारे गा मा पा धा नी सा सा ने धा ब म ग रे सा सा रे ग रे गा मा पा मा पा धा। अब इसके जो डिवीजन जा रहा है वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का जा रहा है, लेकिन इसको नॉर्मली प्रैक्टिस कर लो, सारे ग रे ग म ग म प म प ध, कुछ असर नहीं होगा, वो बात नहीं आएगी। लेकिन इनका डिवीजन है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये जो छंद जा रहा है आप देख रहे हैं, ये जो वजन जा रहा है, इसका रियाज करना है। सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी धा नी सा, तो हर वन पे आपने थोड़ा स्ट्रोक दिया, थोड़ा वजन दिया, और आकार में भी सेम यही आएगा। चौथा चार चार का, है ना। ये जो वजन जा रहा है, तो यही वजन आपको इस वाले अलंकार में भी रखना है। सा म ग रे सा, फिर दूसरा बनेगा रे ग रे म रे प म ग रे, है ना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये अलंकार आपका मध्यम तक जाएगा तार सप्तक में, और खरज में आपका पंचम तक ये जाएगा, है ना। तो कैसे जा रहा है सुनिएगा इसको, सारे सा ग सा म ग रे सा। अब ये पैटर्न आप समझ लीजिए, फिर आगे का आप खुद से बना लेंगे। 1 2 1 3 1 4 3 2 1, अब यही अगर रे से रे ग म प, अब ये आपकी संगति बनेगी। अब इसमें आप बनाएंगे तो 1 2 1 3 करना हो तो रे ग रे म, है ना। फिर 1 4 3 2 1
रे प म ग रे, है ना। फिर ग से यही संगति बनाएंगे तो 1 2 1 3, यानी ग म ग प, 1 4 3 2 1, ग ध प म ग, है ना। फिर म से बनाएं 1 2 1 3, म प म ध, 1 4 3 2 1, म नी ध प म, है ना। कैसे जाएगा ये, सा रे सा ग सा म ग रे सा रे ग रे म रे प म ग रे ग म ग प ग ध प म ग म प म ध म नि ध प म प ध प नि प सा नि ध प ध नि ध सा ध रे सा नि ध नि सा नि रे नि ग रे सा नि सा रे सा ग सा म गरेसा। तो ये इसका पैटर्न जाएगा। अब उल्टा आएंगे तब भी वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप उल्टा काउंट कर दीजिए, यानी सानी धपा मगरेसा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पैटर्न वही रहेगा 1 2 1 3 1 4 3 2 1। तो इसी पैटर्न को अगर आप उल्टे में करेंगे तो 1 2 1 3 सानी साध 1 4 1 4 3 2 1 सा पधानी सा। तो ये शब्दों को नंबर दे देना ज़्यादा आसान है, इससे क्या होगा पैटर्न जल्दी समझ आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या है नंबर से ज़्यादा फैमिलियर हैं बनिस्बत के स्वरों से। स्वरों के जो ये अक्षर हैं ना, जो नाम दिए गए हैं सारे गम पधनी, इनसे हम उतने फैमिलियर नहीं है जितना 1 2 3 4 से ए बी सी डी से हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमने ज़्यादा पढ़ा है ना, ज़्यादा हमने इसमें काम किया है बनिस्बत की सारे गम। मतलब मैं एक बिगिनियर के लिए कह रहा हूँ, सीखने के बाद तो सारे गम पधनी भी आपके लिए उतने ही फैमिलियर हो जाते हैं। तो अगर फैमिलियर हो जाते हैं तो आप इनकी अलग अलग स्वर संगतियां भी बना सकते हैं, मुश्किल वाली भी, बड़ी भी, और वो भी आसानी से बना सकेंगे। जैसे साधा ग म प रे ग म प, है ना, अब इसको आप जल्दी से बोल पाएंगे, वरना अगर सारे गम पधनी ये तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे इसमें अब इससे ज़्यादा क्या, नॉर्मल पैटर्न बना दे, है ना, सारे गम पधनी। जैसे ही जंप करवा दिया मैंने स्वर, वैसे ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए एक बार नंबर से हम इनको प्रैक्टिस कर लिया करते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा, सा नी सा ध सा प ध नि सा, फिर नीचे आएंगे नि ध नि प नि म प ध नि, फिर ध से ध प ध म ध ग म प ध, प से प म प ग प रे ग म प, म से म ग म रे म सा रे ग म, ग से ग रे ग सा ग नि सा रे ग, रे से रे सा रे नि रे ध नि सा रे, सा से सा नि सा ध सा प नि सा। तो पंचम तक नीचे गया, मध्यम तक ऊपर गया। अब इसी की पैटर्न बनाएंगे और वजन से करेंगे तो कैसे जाएगा, सा रे सा ग सा म ग रे सा रे ग रे म रे प म ग रे, है ना, ये जो वजन है, दो बांट इसकी बन रही है, सा रे सा ग सा म ग रे सा रे ग रे म, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये 9 मात्राएं आपकी जा रही हैं, ठीक है। इसका ही वजन को आपको ख्याल रखना है। फिर इसका विस्तार करेंगे तो वही सीधी सी बात है, अगर आपने स्वरांगिनी के पेजेस को समझा है तो हम क्या क्या करेंगे, पहले इसमें 4 स्वर जोड़ देंगे, जैसे सा रे सा ग सा म ग रे सा सा रे ग म, है ना, ये 4 स्वर जोड़ दिए। फिर रे से यही पैटर्न बनेगा तो रे ग रे म रे प म ग रे रे ग म प, है ना, 1 स्वर और जोड़ दिया, 4 स्वर का पैटर्न, ग म ग प ग ध प म ग ग म प ध, है ना, ऐसे ही जाएंगे। अगला इसका सेट जो बनेगा, ये पूरा करना है आपको, है ना, 7 तक, प ध प नि प सा नि ध प प ध नि सा, ये कंप्लीट हो गया। अब रिवर्स आ जाइए, पूरा ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सा आ चुका है हमारा, तार सप्तक का सा अगर लग जाता है उसके बाद आपका अलंकार लगभग पूरा हो जाता है। फिर रिवर्स करेंगे, सा नि सा ध सा प ध नि सा सा नि ध प, फिर नि से नि ध नि प नि म प ध नि नि ध प म, है ना, ऐसे ही करते हुए पूरा आ जाएंगे। ये पूरे अलंकार आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आसानी से वहां से पढ़ सकते हैं। फिर सारे ग म प 5 सुर जोड़ेंगे, सा रे सा ग सा म ग रे सा सा रे ग म प, है ना। देखने वाली बात यह है, सीखने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है, रुकना कहीं भी नहीं है, है ना। सा रे सा ग सा म ग रे सा सा रे ग म प रे ग रे म रे प म ग रे रे ग म प ध, है ना, इस चीज का ख्याल रखना, ये रेगुलर जाना चाहिए। 5 वाला जोड़ दिया, अब 6 वाला जोड़ो, सा रे सा ग सा म ग रे सा सा रे ग म प ध रे ग रे म रे प म ग रे रे ग म प ध नि, है ना,
ऐसे ही सातवां जुड़ जाएगा और ये खत्म होगा। सारे सागा सामा गा रे सा सारे गा मा पा धा नी रे गा रे मा रे पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा। और इसको कंक्लूड करेंगे आठ सुर जोड़ के सारे सागा सामा गा रे सा सारे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो अब ये पूरा कैसे जा रहा है मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स आपको गा के बता दूं। सारे सागा सामा गा रे सा सारे गा मा रे गा रे मा रे पा मा गा रे रे गा मा पा गा मा गा पा गा पा मा गा गा। अब ये भी देखने वाली बात है, जैसे ही आप वो अगला हिस्सा जोड़ देते हैं एक वजन और आ जाता है, तीन पार्ट हो जाते हैं। सारे सागा सामा गा रे सा सारे गा मा, ये तीन पार्ट हो गए। अब तीनों में वजन प्रॉपर आना चाहिए। सारे सागा सामा गा रे सा सारे गा मा रे गा रे मा रे पा मा गा रे रे गा मा पा गा मा गा पा गा धा पा मा गा मा पा धा मा पा मा धा मा नी धा पा मा मा पा धा नी पा धा पा नी पा धा ने धा पा पा धा ने सा। सारे अलंकारों को रियाज करने का यही तरीका है, उनके वजन उनके छंद को ध्यान रखते हुए, उनके बांट को ध्यान रखते हुए रियाज करना। ये एक नया अलंकार तो मैं आपको ठीक है बता रहा हूँ, ऐसे आप और भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जो ध्यान देने वाली बात है ना वो यही है कि अलंकारों का रियाज जब भी किया जाए उनके वजन को देख कर, उनकी बांट को देख कर ही रियाज किया जाए। उससे ही उनकी जो इफेक्ट होगा, है ना, जो असर आएगा वो उसी से आएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं जो हरकत जारी वो ऐसे ही बनी क्योंकि वजन का ख्याल रखा है मैंने, वरना ये ऐसे भी गाया जा सकता है लेकिन इसमें वो वजन नहीं आएगा। ये जाना चाहिए। सारे सागा सामा गा रे सा सारे गा मा बा धा नी रे गा रे मा रे पा मा गा रे रे गा मा बा धा नी सा सा नी सा सा बा धा नी सा सा नी धा मा गा रे नी धा नी बा नी मा बा धा नी नी धा मा गा रे सा। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, वजन का ख्याल रखिए और ये बांट जो है इसके हिसाब से रियाज कीजिए। कोई सा भी नया अलंकार बनाइए, कोई भी पुराना अलंकार, इसी हिसाब से रियाज करेंगे, बहुत बेहतरीन आपका गला हो जाएगा। देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूंगा, कुछ ना कुछ यूनिक हम बनाते रहेंगे और आपको प्रेरित करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ आप भी नया बनाइए। देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।